subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वंडर वर्टिक्स एंड टेक्निक्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की सेटेलाइट है यमलसैट 49 ईस्ट सी बैंड सेटेलाइट। फ्रेंड्स, यहां पर कुछ नए चैनल ऐड हो चुके हैं, तो आइए इस सेटेलाइट के चैनल्स को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो व्यूवर्स, ये है 6 फीट की डिश एंटीना और LNB की पोजीशन बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस LNB में टेफलून पट्टी को भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आपको मैं इस सेटेलाइट की एलिवेशन भी दिखाता हूं ताकि आप इस सेटेलाइट को आसानी से ट्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से इस निशान तक मैं आपको इसकी एलिवेशन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यमलसैट 49 ईस्ट के लिए एलिवेशन 10.5 इंचेस होनी चाहिए, तो आपके पास यमलसैट 49 ईस्ट बिल्कुल आसानी से ट्रैक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको इस सेटेलाइट के चैनल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ नए चैनल ऐड हो चुके हैं और BK स्पोर्ट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप इस वीडियो को बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हैं और आप इस सेटेलाइट को 6 फीट की डिश एंटीना पर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये देखिए, ये BK स्पोर्ट की TP आप वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये नीचे क्लिक का निशान भी लगा दिया है ताकि आप इस TP को नोट कर लें। फ्रेंड्स, इस TP के मेरे पास अच्छे सिग्नल रिसीव हो चुके हैं और इस TP को मैंने 6 फीट की डिश एंटीना पर ही ट्रैक किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्पोर्ट्स चैनल है, इसी TP पर आप कुछ और चैनल भी देख सकते हैं। ये बॉलीवुड TV है, ये देखिए, आप इसको भी बिल्कुल फ्री टू एयर यहां पर देख सकते हैं। और आइए मैं आपको PK स्पोर्ट भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये PK स्पोर्ट है जो यहाँ पर अभी फ्री टू एयर चल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, कुछ और टेस्ट कार्ड के चैनल हैं जो शायद यहाँ पर अभी टेस्ट मोड में हैं, लेकिन कुछ और चैनल यहाँ आने वाले हैं, तो इस TP को आप नोट कर लें। और ये देखिए, ये यमल के चैनल आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास इस 1506 वाले रिसीवर में सिर्फ इतने ही चैनल चलते हैं। अगर आपके पास स्टारसेट हाइपर का रिसीवर है तो आपके पास इस सेटेलाइट के कम 6 फीट की डिश एंटीना पर 60 या 70 चैनल रिसीव हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो और चैनल हैं वो फुल HD क्वालिटी के हैं और 1506 में वो चैनल नहीं चलते हैं। अगर आपके पास कोई और बॉक्स है जो फुल HD चैनल्स को सपोर्ट करे तो आपके पास काफ़ी चैनल्स बिल्कुल फ्री टू एयर यहां पर चल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उन चैनल्स की TP तो रिसीव हो चुकी हैं लेकिन वो चैनल मेरे पास चल नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और मैंने आपको इस वीडियो में PK स्पोर्ट की न्यू अपडेट दी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये TP आप देख लें, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।